नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं बेगूसराय की खबर पर। बेगूसराय में घात लगाए बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को लूटपाट कर विरोध करने पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुरानी जमीनी विवाद और पूर्व के मारपीट की रंजिश में इस घटना को अंजाम देने की बात बताई जा रही है। इस दौरान नगद 15,000 रुपए लूट लेने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। घटना छौरई थाना क्षेत्र के मिलकी कब्रहा के निकट की है। घटना उस वक्त प्रकाश में आई जब घायल इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय पहुंचे लगभग 30 वर्षीय जमकमी पंकज कुमार महतो समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना अंतर्गत पंचायत गोविंदपुर के बटहा गाँव निवासी राजेश्वर महतो के पुत्र है। पीड़ित ने बताया कि 2 दिन पहले जमीनी विवाद में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद मामले को लेकर थाने जाकर केस दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि केस होने की भनक लगते ही पहले वह देख लेने की धमकी दी गई। जख्मी का आरोप है कि जब वह मिलकी गांव में बहन से मिलकर बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे, तभी व्यापारी के यहाँ बेच गए मकई का 15,000 रुपए लेते हुए चला गया और जैसे ही मिलकी कब्रा ग्रह के निकट पहुंचा तभी 4-चक्का वाहन ने उसे जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने बताया कि इस दौरान गाड़ी से उतरकर आरोपी डाय घर से हमला बोला और पास में रखे रुपए छीन कर भाग खड़ा हुआ। फिलहाल थाना की पुलिस जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब पुलिस अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पीड़ित द्वारा लगाए आरोपों में कितनी सच्चाई है और पूरा मामला आखिर क्या है। घटना बताइए, कैसे क्या हुआ? अभी सकते हैं 2 रोज पहले 24 तारीख को हमारे साथ में मारपीट हुआ। घर के बगल में गाछ है केला के, उलाट के, तो हम रोसड़ा थाना में केस की अभी इंट्री दिए। तो वो लोग बोला जो हम पंचायती में फरियाद लेंगे, तो हम इंट्री को रोक दिए। वहाँ बोले तो सर पंचायती में फरियाद लेगा, अगर पंचायती में हमको नहीं फरियाता है तब हम एफ आई आर करेंगे। तो वो लोग ने सोचा कि जो हम पर केस कर दिया, बोला जो चलो तुम कहाँ जाता है, जिधर तू निकलेगा उधर मेरा आदमी है, हम तुमको जान से मरवा देंगे। शाम में हम अपने बहन के यहाँ गए थे बहन को छोड़ने के लिए, तो उधर मकई वाला है महेंद्र महतो, उनके यहाँ महेंद्र महतो हमको रास्ता में फ़ोन किया जो आइए, तो वहाँ गए तो हिसाब करके मेरा 15,000 रुपया हुआ, तो वो रुपया हमको लेके दे दिए। हम उधर से आ रहे थे मिलकी कबरगाह के नज़दीक, वो लोग 4-चक्का लेके रुके हुआ था, संतोष कुमार, रंगवीर कुमार और राम पुकार महतो, 2 गो को हम नहीं पहचानते हैं लेकिन सामने आएगा तो पहचान लेंगे। तो वो मेरा बाइक को टक्कर मारा, वहाँ हम गिर गए, मेरा बाइक का भी हाल ख़राब है। तो उसके बाद ड्राइवर से यहाँ पर वार करने के बाद यहाँ भी मारा है, मेरा रुपया पैसा लेके भाग गया। तो हमने नज़दीकी यहाँ छोराही ओपी गए, तो वहाँ बोला जो पहले इलाज करवाइए, तो वहाँ चिकित्सा में गए तो वहाँ हमको रेफर कर दिया जो बेगूसराय जाइए। चार व्यक्ति का जिसका आपने नाम लिया है वो कहाँ का है, वो आपका गांव का है या बाहर का? मेरा गांव में का है, 3 आदमी पहचानते हैं। विवाद किस कारण हुआ था 4 दिन पहले? जमीनी विवाद के, जमीनी गोतिया है क्या जी? गोतिया है वो लोग जी, वो 4-5 भाई है, हम अकेले हैं भाई। हम दूसरा थाना में इससे पहले हम केस किए, इसी गुस्सा से हमको मारने के लिए आया। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार महतो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।